हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल ट्रबल विद पॉल में। मैं आशा करता हूं आप और आपके घर के सभी प्यारे जन बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूं आप सभी को, आज मेरे साथ इस ट्रिप में मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त निर्मल दिया और मेरे भाई राजू है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं और उनको लेके मैं घूम रहा हूँ, उनको मंदिर दर्शन करवा रहा हूँ। तो इससे बेहतर आई थिंक कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स लोग, अब सभी को जो इतना ब्यूटीफुल सा टेंपल जो सामने दिख रहा है, इस टेंपल का नाम है श्री सोमेश्वर टेंपल और ये टेंपल है कोलार में, जो कि बेंगलोर सिटी से 68 किलोमीटर दूर है। और ये टेंपल का ओपनिंग टाइम है सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 8 बजे तक। फ्रेंड्स, द टेम्पल वॉज बिल्ट बाई दी चोलास हु रूल्ड दिस रीजन इन दी 11th सेंचुरी हु वेर देन डिथ्रोन्ड बाई चालुक्यस। द टेम्पल वॉज लेटर एक्सपांडेड बाई द विजयनगर एम्पायर एंड इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। The carvings on the inner pillar of the temple have an international connection which depicts the importance and value of trade to the king. The temple is every architect's delight considering the beauty of Dravidian architecture. The huge Gopura on the entrance stands the testimony to the hand of the Cholas in the construction of this temple. The temple has heavy pillars, the Prakriya walls and the Kalyana Mandapa, which is wedding hall, and the Mukhya Mandapa with the massive pillars, Basanta Mandapa, marriage podium, and an ashram for the goddess पार्वती देवी। द कल्याण मंडपा हैज 64 टू 16 साइडेड पिलर्स, ए फ्यू डिपिक्टिंग मेन राइडिंग हॉर्सेस एंड द अदर रिप्रेजेंट माइथोलॉजिकल स्टोरीज। द कर्विंग ऑन द पिलर बियर्स इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन, चाइनीज एंड थाई स्टाइल। द कल्याण मंडपा टॉप पोर्शन डिपिक्ट्स द चाइनीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर and the temple tower boast of stupa features. Apart from this, the Vijayanagara inscription are found on the walls of the Yagashala and the temple store room, which date back on the 15th century AD. Friends, enjoy the beautiful view of this Someshwara temple in Kolar.
Friends, it's a very lovely place to visit, especially for the people who are interested in culture, history. फ्रेंड्स, तो मंदिर देख के कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये टेंपल बहुत ही पीसफुल प्लेस है, क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं है। सो वन कैन कम विथ एंटायर फैमिली, फ्रेंड्स आके यहाँ पे घूम सकते हैं और मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही ये अच्छा प्लेस है। ये पार्वती जी का टेंपल है, यहाँ पे देख सकते हो आप सब, बहुत ही अच्छा टेंपल है ये, तो बहुत सुंदर है, बहुत क्लीन है। ये टेंपल जो है विजयनगर स्टाइल में बनाया गया था और बहुत सुंदर है, देखते रहिए व्यू। ये टेंपल जो है उतना एक्सप्लोर्ड वाला नहीं है, आई गेस यहाँ पे उतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ बेंगलोर में अगर हो, इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम बेंगलोर, 68 किलोमीटर है, वीकेंड के टाइम में भी आ सकते हो, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, विथ फैमिली विथ फ्रेंड आके घूम के शिव जी का दर्शन करके आप लोग जा सकते हो। तो देखिए इतना फाइनली आर्ट, इतना फाइन आर्ट बिलीव नहीं कर सकते हैं। पुराने ज़माने में आई डोंट नो हाउ दे मैनेज्ड, कैसे इतने सुंदर सुंदर पिलर्स को डिज़ाइन करके बनाया है। आई डोंट बिलीव लाइक उस ज़माने में इतना टेक्निक अवेलेबल नहीं था, फिर भी हाउ दे मैनेज्ड, सच में उसके बावजूद भी ये लोग इतने बढ़िया से पिलर्स को बनाते थे। दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं इस टेंपल को एक हिडन जेम बोलूँगा, जो कि मतलब बहुत लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। और मेरे से एक चीज़ और छूट गया है, इस टेंपल के बाजू में ही एक कोलरम्मा करके टेंपल है, वहाँ पे भी मुझे जाना चाहिए था मम्मी पापा को लेके, बट मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि बाजू में ही ये टेंपल है। आफ्टर सम डे जब मैं घूम के आया हूँ तो मुझे पता चला कि साइड में कोलरम्मा टेंपल करके भी है, तो साइनबोर्ड वगैरह नहीं था, सो ड्यू टू दैट मैं भी पता नहीं चला। तो आप सब अगर जा रहे हो तो वो बाजू में ये कोलरम्मा टेंपल करके हैं, जाके घूम के आइए। डियर फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जो भी है कर दीजिए। दोस्तों आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यहाँ पे आके एक बार घूम के जाने का प्लान कीजिए। हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जय हिंद दोस्तों।